विमानों में बम की धमकी देने वाले की पहचान हुई, महाराष्ट्र का रहने वाला है, आतंकवाद पर किताब लिख चुका, मोदी से मिलने की इच्छा। विमानों में बम की धमकी देने वाले की मंगलवार 29 अक्टूबर को पहचान हो गई है। नागपुर पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति महाराष्ट्र के गोंदिया का जगदीश उई के 35 वर्षीय है। ये आतंकवाद पर किताब भी लिख चुका है। डीसीपी श्वेता खेडकर की अगुवाई में पुलिस टीम ने फर्जी ईमेलों के बारे में खोजबीन की, जिसके बाद शख्स की पूरी जानकारी सामने आई। आरोपी अभी भी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। ये 2021 में एक केस में अरेस्ट भी हो चुका है। दो हफ्ते में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स को धमकी दी जा चुकी है। पुलिस ने बताया कि जगदीश ने प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, रेल मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक, डीजीपी और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ सहित कई सरकारी कार्यालयों को ईमेल भेजे थे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी थी। जगदीश उईके ने ईमेल में धमकी देते हुए लिखा था कि अगर मुझे गुप्त आतंकी कोर्ट के बारे में अपनी जानकारी पेश करने का मौका नहीं दिया गया तो इसका विरोध करूंगा। साथ ही उसने आतंकी खतरों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी कहा था। जगदीश ने 21 अक्टूबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी ईमेल भेजा था। फ्लाइट में बम की झूठी धमकी देने वाले 25 साल के युवक को दिल्ली पुलिस ने 26 अक्टूबर को हिरासत में लिया था। पुलिस के मुताबिक 25 साल के शुभम उपाध्याय ने 25 अक्टूबर को आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की झूठी धमकी वाली दो पोस्ट की थी। पूछताछ में उसने बताया कि वह फेमस होने के लिए उसने ऐसा किया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से 17 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया था। उसका एक दोस्त से पैसों के लिए विवाद चल रहा था। उसने दोस्त के नाम से एक्स अकाउंट बनाया और 14 अक्टूबर को 4 फ्लाइट में बम होने की झूठी पोस्ट की थी। केंद्र सरकार ने इन धमकियों पर सख्त रवैया अपनाया है। आईटी मिनिस्ट्री ने 26 अक्टूबर को एडवाइजरी जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा था कि अगर वे ऐसी झूठी सूचनाओं को फौरन नहीं हटाते हैं तो उन्हें आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली इम्यूनिटी रद्द कर दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी सूचनाओं को तुरंत हटाकर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी देनी होगी।